वेलकम टू माय चैनल इन स्टूडेंट गार्डन। गार्जियंस, आज हम आपके लिए यूकेजी क्लास के बच्चे की रिवीजन कॉपी लाए हैं। ये मैथ की रिवीजन कॉपी है। आप देखेंगे इसमें बच्चे ने 8 डेज में रिवीजन किया है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और टेबल का। इसमें सबसे पहले एडिशन जो हुआ है वो पहले हुआ है 1 डिजिट का। आप देख सकते हैं टोटल हम 3 पेज 1 डिजिट एडिशन का रिवीजन करा है। आप बच्चों को वो बताएं, एडिशन मतलब होता है जोड़ना, दो नंबर्स को जोड़ने को हम एडिशन कहते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर एडिशन मेंशन किया हुआ है ताकि बच्चे जब भी यहाँ पे एडिशन करे तो वो देखे, और एग्ज़ाम में भी जब वो एडिशन देखे तो वो समझ जाए यहाँ पे इन्हें जोड़ना है, इसमें से इसमें घटाना नहीं है, वो सब्सट्रैक्शन ना समझे। छोटे क्लास के बच्चे बहुत कन्फ्यूज्ड होते हैं। आप देख सकते हैं 3 पेज यहाँ पर हमने 1 डिजिट का प्रैक्टिस करवाया है बच्चे को। फिर साथ में हमने टेबल पे प्रैक्टिस कराया है, 2 बार यहाँ पे 2 की टेबल दी हुई है लिखने के लिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ सब्सट्रैक्शन है, ऊपर आप देख सकते हैं राइट टेबल 2 हमने लिखा हुआ है ताकि एग्ज़ाम में अगर बच्चे यहाँ ऐसा देखें तो फट से 2 का टेबल लिख दें। फिर यहाँ सब्सट्रैक्ट भी लिखा हुआ है हमने, सब्सट्रैक्ट सब्सटीट्यूशन का यहाँ पे हमने सब लिखा हुआ है कि एग्ज़ामिनर, हमें नहीं पता उनके टीचर्स क्या लिख करके एग्ज़ाम में दे सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ यहाँ 1 डिजिट का हमने सब्सट्रैक्शन प्रैक्टिस कराया है 4 पेज। 4 पेज 1 डिजिट का सब्सट्रैक्शन कराने के बाद हमने यहाँ पे 3 का टेबल भी दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ है ताकि 2 बार ही लिखने से बच्चों को अच्छे से याद हो जाता है। आप देख सकते हैं फिर अब हमने यहाँ पे 2 डिजिट का एडिशन कराया है, ये भी हमने टोटल 3 पेज प्रैक्टिस कराया है। फिर यहाँ पे हमने 4 का टेबल दिया है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं हमने सब्सट्रैक्ट 2 डिजिट का 3 पेज कराया हुआ है। फिर यहाँ पे 5th का टेबल है, हमें ये मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलना है कि राइट टेबल 5 सब्सटीट्यूशन। बच्चे ध्यान देते रहेंगे तो उन्हें पता रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमने 100 का भी एडिशन यूकेजी के बच्चे को सिखाया है। इसमें आपको एक भी मिस्टेक्स नहीं दिख रही होंगी कॉपी में। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे बच्चे की कैसे एक भी मिस्टेक्स नहीं हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये तो रिवीजन की कॉपी है, बच्चे ने पूरी प्रैक्टिस करने के बाद रिवीजन की हुई है। ये कॉपी देख सकते हैं आप, ये कॉपी है प्रैक्टिस की, इसमें आपको बहुत मिस्टेक्स मिलेंगे। आपको दिखाती हूँ मैं, इधर नहीं है मिस्टेक, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मिस्टेक्स हुई हैं। ऐसी बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, प्रैक्टिस करने से ही बच्चों को आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मिस्टेक किया है बच्चे ने सब्सट्रैक्शन में, तो प्रैक्टिस करने से आता है बच्चों को। यहाँ पे टेबल में उसने मिस्टेक किया है, तो इसलिए हम उन्हें प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं। फिर हम यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं तो इसलिए इसमें कोई मिस्टेक्स आपको नहीं दिखेंगी। हम देख सकते हैं यहाँ पे 7th का टेबल रिवीजन करने के दिया हुआ है, फिर 100 से आपको सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 3 डिजिट का एडिशन है, 8th का टेबल है प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। हमने 2-2 बार लिखने को दिया हुआ है बच्चे को, इसलिए ताकि उन्हें याद हो सके, रिवीजन करते टाइम भी बच्चे 2-2 बार लिखें और उसे पढ़ें। फिर सब्सट्रैक्शन आपका 3 डिजिट का यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 10th का टेबल यहाँ लिखने को दिया हुआ है, फिर सब्सट्रैक्शन है, फिर 2 to 10 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसलिए हमने होमवर्क में एक साथ 2 to 10 टेबल लिखने को दिया है, राइट 2 to 10 टेबल्स। ये ऊपर हम मेंशन करेंगे तो बच्चे भी देखते हैं, ऊपर यहाँ सब्सट्रैक्शन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये सिंबल बनाया हुआ है तो हमें यहाँ माइनस करना है। इस तरह से बच्चों के दिमाग में फिट हो जाता है और वो एग्ज़ाम में मिस्टेक्स नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टेबल कराने के बाद मल्टीप्लाई भी कराया है बच्चों को। 5 का टेबल याद है तो 5 9 जो क्या होगा ऐसे करके बच्चे ने किया। आप देख सकते हैं इसमें भी मिस्टेक्स नहीं किया है क्योंकि टेबल का भी बच्चे ने बहुत प्रैक्टिस किया है। आप देख सकते हैं, और आपने डेट भी देखा होगा, देखिए हमने ये 18 से स्टार्ट किया है एडिशन का प्रैक्टिस कराना, और टेबल का 25 तक ख़त्म हो गया, यानी 7 डेज में ये ख़त्म हो गया। ये हमने 27 को टेबल याद कराने के बाद ऐसे मल्टीप्लाई में दे दिया है,
ताकि बच्चों को इसका भी प्रैक्टिस हम कराएं। गार्जियंस आप देख सकते हैं हमने सारे एडिशन 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट सारे हमने 3-3 पेजेस कराए हुए हैं, टेबल हमने 2-2 बार लिखाया हुआ है। इस तरह से बच्चों को अच्छे से दिमाग में फिट होता है, बार बार लिखने से उन्हें ध्यान रहता है और अच्छे से याद रहता है। आप भी अपने बच्चों को 7 डेज के अंदर इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। ओके गार्जियंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू।